एक ऑर्डर आ चुका है हमारे पास 45 रुपीज़ का, लिंगराज टेम्पल के पास ही है डिलीवरी लोकेशन। लिंगराज टेम्पल तो नहीं, भीमा टांगी। चलो भाई, मल्टी ऑर्डर है शायद ये वाला। और एक आया है, ओ भाई साहब 51 रुपीज़, 30 रुपीज़ टीप मिला इसमें। बढ़िया हुआ भाई, एक तो रेडी हो चुका है और एक प्रिपर। तो भाई जब एक ऑर्डर आ चुका है हमारे पास 130 रुपीज़ का, देख लो 20 रुपीज़ मिला है हमको एम्स हॉस्पिटल के पास डिलीवर करना है। चलो अभी गैलरिया से आया है ये वाला ऑर्डर। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी फ़िलहाल ड्यूटी पे आ चुके हैं, टाइम अभी हो रखा है 12:56। कैमरा में उल्टा दिखाई दे रहा है ना मुझे। तो अभी फ़िलहाल एक ऑर्डर भी आ चुका है होटल उड़ीसा होटल से, तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं इसको पिकअप करने के लिए, काफ़ी लेट हो चुका हूँ। तो चलो जल्दी से चलते हैं भाई। मतलब और एक बात बोलना था, वीडियो बनाने के लिए अभी मतलब काफ़ी लेजी हो चुका हूँ, मतलब मन ही नहीं करता वीडियो बनाने के लिए, इसलिए एक्शन कैमरा से नहीं बना रहा हूँ आज, क्योंकि माइक का प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। तो इसलिए भी डीमोटिवेट लगता है जब मतलब पूरा मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ और घर जाके देखता हूँ तो भाई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है वॉइस मेरा। तो इसलिए कैमरा में आज से रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं आप लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स आता है। तो अभी फिलहाल चलो जल्दी से पिकअप करते हैं, फूड को रेडी भी हो चुका है। चलो पहुँच चुके हैं, वैसे पास में पहुँच चुके हैं फूड होटल के। चलो जल्दी से पिकअप करते हैं भाई। तो भाई जब भी हमारा फूड पिकअप हो चुका है, देख सकते हैं देखो उड़ीसा पेंटिंग बनाया गया है। तो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, लेफ्ट पे आ चुका है हमारा, सेकंड फ्लोर पे जाना है हमको 203 203 पे। अरे बंद हो जा भाई। तो गाइस अभी फिलहाल डिलीवरी हो चुका है कंप्लीट, इसे कर लेते हैं कंप्लीट। 84 समथिंग कुछ मिलेगा हमको, 83। तो ठीक है गाइस, अभी फिलहाल देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर कब तक आता है। बाइक हमारा वो खड़ा है, बाइक का सर्विसिंग भी वैसे हो चुका है, तो देखो हमारा बाइक का सर्विसिंग वैसे हो चुका है तो चमक रहा है बाइक हमारा, देख सकते हो। तो गाइस अभी फिलहाल एक ऑर्डर आ चुका है हमारे पास 45 रुपीज़ का, कहाँ से आया है ये, अच्छा पिकअप वाला ऑर्डर, देखते हैं क्या है, पिकअप करना है कुछ, अच्छा कॉल करना पड़ेगा भाई इनको। तो गाइज अभी जो ऑर्डर आया था वो मतलब ऑर्डर का पिकअप हो चुका है कंप्लीट। ये देख लो सिगरेट वगैरह था सब कुछ, और शॉप था एक मतलब बनारसी पान, पिकअप हो चुका है। तो चलो अभी चलते हैं कस्टमर के पास। गाइज अभी फिलहाल थर्ड वाला ऑर्डर आया है एक्वा बाय स्वस्तिक ब्रांड से, देखो मतलब महंगा होटल से आ गया है ऑर्डर। तो अभी आ चुका हूँ वैसे लोकेशन पे, ये देख सकते हो स्वस्तिक ब्रांड। लेकिन सबसे बुरा बात ये है कि हेलमेट उतर के जाना पड़ता है, तो काफ़ी मतलब झंझट वाला काम है। तो चलो हमारा फूड रेडी हो चुका है तो पिकअप कर लेते हैं पहले। तो गाइज ऑर्डर हमारा पिकअप हो चुका है, मतलब इनका जो भी आइटम होगा डब्बा, लेकिन केक की जैसा लगेगा, देखो पूरा स्क्वायर टाइप का डब्बा है, अंदर का भी देख सकते हो। ये देखो चिकन टिक्का ऐसा कुछ आइटम है। तो गाइस अभी और एक ऑर्डर आ चुका है हमारे पास नाइस आइसक्रीम से, तो पहुंच चुके हैं हम लोकेशन पे। तो गाइस पिकअप हो चुका है कंप्लीट, इसको लेके जाना पड़ेगा हमको जाकर मरा। तो गाइज ये वाला ऑर्डर भी डिलीवरी हो चुका है कंप्लीट, 55 रुपीज़ बना है हमारा इसमें। चलो अभी निकलते हैं, थोड़ा घर जाके खाना वगैरह खा के, क्योंकि पानी का बॉटल नहीं लाया हमने, तो थोड़ा रेस्ट करके आएंगे, शाम 5 बजे आ जाएंगे। चलो। तो गाइज अभी घर जा ही रहा था कि और एक ऑर्डर आ चुका है हमारे पास 69 रुपीज़ का, कॉलर से आया है। तो चलो भाई इसको कर लेते हैं कंप्लीट। चलो देखो भाई पास में ही है, लेकिन मुझे कहाँ से घूम के आने के लिए बता रहा है, देख सकते हो इधर से अगर आ जाऊँगा तो भाई हाफ किलोमीटर होगा हार्डली। चलो तो गाइस अभी फिलहाल घर पे ही हूँ और एक ऑर्डर भी आ चुका है हमारे पास, जिनी ऑर्डर आया है बापा भोड़ा।
चलो भाई कुछ भी नाम रख लेते हैं ये। क्या पिकअप करना है पता नहीं है, लेकिन घर के पास में ही है, तो चलो पहले लोकेशन के पास इधर रीच हो सकते हैं क्या। अरे भाई नहीं, हो गया भाई, रीच हो गया। चलो और ये गाइस देख सकते हो जियो फाइबर हमारा लग चुका है घर पे, मतलब हमारा डेली अपलोड के लिए प्रॉब्लम होता था डाटा का, तो अभी ये वाला भी प्रॉब्लम हो चुका है ख़त्म। तो चलो भाई निकलते हैं अभी ड्यूटी के लिए। और इसको देखते हैं क्या करना पड़ेगा, अभी तो हो गया है, जल्दी से निकलते हैं इधर से। तो गाइस अभी इवनिंग पे दो ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ अभी, और मतलब और एक ऑर्डर आया है थर्ड वाला, मतलब इवनिंग का बोल रहा हूँ, आपके डिलाइट से आया है। चलो भाई मैं जुगाड़ जंक्शन के पास खड़ा था, तो चलो चलते हैं आपके डिलाइट से। तो गाइस अभी डिलीवरी इसका हो चुका है, कलेक्ट करना था 140 रुपीज़, कलेक्ट भी हो चुका है, कर देते हैं इसको कंप्लीट, 41 रुपीज़ मिला। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कब तक आता है। तो गाइस अभी फिर से उड़ीसा होटल से एक ऑर्डर आया था मटन आलू छोड़ा, पिकअप हो चुके हैं, अभी इसको लेके चलेंगे जयदेव भैया। तो गाइस डिलीवरी हो चुका है कंप्लीट, 63 रुपीज़ मिला है हमको, वही जोन के अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी भेनु सिंह से एक ऑर्डर आया था जो कि हमारा ऑर्डर पिकअप हो चुका है, इसको लेके जाना पड़ेगा नयापली, तो चलते हैं भाई जल्दी से। तो गाइस अभी ऑर्डर हो चुका है डिलीवरी कंप्लीट, जो मतलब भेनु सिंह से आया था 52 रुपीज़ मिला है हमको इस ऑर्डर पे। और एक बात दिखाता हूँ, अभी टाइम हो रखा है 9:21, मतलब 9 बजने से पहले ही हो चुका था हमारा 500 कंप्लीट, अभी तो फिलहाल 564 हुआ है, आज पहली बार मतलब 9 बजे से पहले ही हो गया था 500 कंप्लीट। चलो भाई अभी वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कब तक आता है। तो गाइस अभी देखो मतलब गेट बंद करने के बाद एक ऑर्डर आ चुका है हमारे पास 45 रुपीज़ का, लिंगराज टेम्पल के पास ही है डिलीवरी लोकेशन, लिंगराज टेम्पल तो नहीं भीमटांगी, चलो भाई मल्टी ऑर्डर है शायद ये वाला। और एक आया है, ओ भाई साहब 51 रुपीज़, 30 रुपीज़ टिप मिला इसमें, बढ़िया हुआ भाई। एक तो भाई अभी तो एक रेडी भी हो चुका है और एक प्रिपरेशन हो रहा होगा, चलो भाई जल्दी से मुगलाई जायका। चलो भाई तो गाइस अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं मुगलाई जायका, जो ऑर्डर आया था अभी मुगलाई जायका से, ये देख लो ये तो रेडी अभी तक हुआ नहीं है, डिले हो चुका है, पहला वाला जो आया था उसको पिकअप कर लेते हैं अभी जाके। तो गाइस अभी जो मल्टी ऑर्डर आया था अभी मतलब दोनों को डिलीवरी कर चुका हूँ, और अभी जो है देख सकते हो 12 किलोमीटर के पास मतलब आसपास है डायरेक्ट, मतलब टोटल डिस्टेंस 54 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन भाई बहुत दूर जाना पड़ेगा लोग मतलब जोन के बाहर। चलो कंफर्म करते हैं इसको, ग्रामीण पुल फिर से पिकअप करना है हमको। तो गाइस अभी तो गाइज अभी एक ऑर्डर इधर कंप्लीट हुआ, कलेक्ट करना था हमको 640 तो कलेक्ट हो चुका है। ओ भाई अभी नहीं करेंगे हम क्योंकि अच्छा अभी हुआ क्योंकि 12 बजने के बाद मिलता है हमको 20 रुपीज़ बोनस, चार्ज बोनस, तो अभी जो भी ऑर्डर आएगा 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। वैसे टाइम देख लो 12 हो रहा है और 1 घंटा 1.5 घंटा हम ड्यूट करने वाले हैं, तो अभी अर्निंग हुआ है कुछ 822 विदाउट इंसेंटिव, देखते हैं भाई कितना बनता है हमारा। तो गाइस अभी एक ऑर्डर आ चुका है हमारे पास 130 रुपीज़ का, देख लो 20 रुपीज़ मिला है हमको, एम्स हॉस्पिटल के पास डिलीवर करना है। चलो अभी गैलरिया से आया है ये वाला ऑर्डर। तो गाइस अभी फिलहाल टाइम देख सकते हो 12:56 हो रहा है, तो ड्यूटी को अभी कर लेते हैं ऑफ, ड्यूटी को ऑफ कर दिया हम लोगों ने क्योंकि भाई अभी अगर ऑर्डर आ जाएगा ना इधर उधर फेंक देगा, मतलब 15 किलोमीटर अराउंड
फेंका इधर इधर उधर। अभी देख सकते हो हमारा अर्निंग हुआ है वो 952, इसमें 200 ऐड कर लो तो कितना होगा, 1152 आज का अर्निंग हुआ है भाई। और मतलब इस वीक में मैं दो ही दिन ड्यूट किया हूँ, देख लो कल हुआ था सैटरडे को, अरे सैटरडे को 800, ये क्या दिखा रहा है भाई, सैटरडे को तो हो गया था 1000, इंसेंटिव नहीं आया है क्या? हाँ भाई इधर इंसेंटिव शो नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। अच्छा, विदाउट इंसेंटिव ये सब दिखा रहा है, इसमें दिखाया फिर। हाँ ये देखो सैटरडे को हुआ था हमारा 1053, और बाकी तो दो दिन तबीयत मतलब ख़राब था इसलिए ड्यूटी नहीं किया था, एक बार आया था चला गया था, और एक बार भी आया था और चला गया था। तो सैटरडे को हुआ था हमारा किधर गया रे 1053, और आज संडे है 1152। तो ठीक है गाइस, मतलब इस वीक में काफ़ी कम अर्निंग हुआ है, मतलब 2613 समथिंग कुछ होगा। तो ठीक है गाइस, आज मतलब कल है मंडे, देख सकते हो आज संडे ही है, आज मंडे दिखा रहा होगा, हाँ आज देख सकते हो मंडे दिखा रहा है। तो मतलब सुबह मतलब कल सुबह से ड्यूटी करेंगे पूरा 12 घंटा, मतलब 7 डेज पूरा ड्यूटी करेंगे, और देखें कि 1 वीक में कितना हमारा प्रॉपर अर्निंग हो सकता है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, सामने पुलिस भी खड़े हैं पता नहीं क्यों, चेकिंग वगैरह शायद चल रहा है कुछ। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। चलो गाइस मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, चलो बाय।